जसी की सब मैं श्रृंखला कानपुर से परमेश्वर के जलाली और मधुर वचन को आपके साथ बांटने के लिए आई हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि आज का सुंदर दिन दिखाया और बहुत प्यारी और सुंदर शाम दी कि हम दोबारा से उसकी हमद और सिताइश करने के लिए इकट्ठे हुए। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे अपने इस पेज पर दोबारा से बोलने का मौका दिया कि मैं आप सभी के सामने आऊं और परमेश्वर के वचन को, सामर्थी वचन को आप लोगों के साथ बांटने पाऊं। और मैं धन्यवाद देती हूं आप सभी का जो अब जुड़ेंगे और रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना के माध्यम से अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और उसके बाद आज का आत्मिक मन्ना जो परमेश्वर ने ठहराया है वो आज हम मिलकर बांटेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर शाम के लिए धन्यवाद परमेश्वर। पूरे दिन आपने संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, इस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। आज जो भी वचन रूपी बीज परमेश्वर बोया जाता है वो हरेक की जिंदगी में फलवंत होने वाला हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो बीमारियों से ग्रसित हैं परमेश्वर, उनकी सुधि लीजिए परमेश्वर, उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर, अपने लहू वाले हाथों से छूइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं परमेश्वर, उन सभी बंधनों को आपके नाम से मैं तोड़ती हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी का परमेश्वर कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया परमेश्वर। परमेश्वर इस पेज के माध्यम से परमेश्वर आपके वचन का प्रचार होने पाए परमेश्वर, और बहुत सारे लोगों के पास आपका वचन पहुंचे और बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन बच्चों के लिए परमेश्वर जो एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं परमेश्वर, उनको उनके हिसाब से परमेश्वर बेस्ट जॉब मिले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट आया है परमेश्वर, वो आगे अपने करियर की शुरुआत करें परमेश्वर और एक अच्छी दौड़ में दौड़े परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर बुजुर्ग लोगों के लिए परमेश्वर, उनकी उम्र को परमेश्वर और बढ़ाइए और परमेश्वर उनके जीवन को आशीषित कीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो लोग इस पेज के माध्यम से परमेश्वर ये वीडियो देखेंगे परमेश्वर, और जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे परमेश्वर, उन सभी के जीवन से परमेश्वर आप बात करें परमेश्वर। अब आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आप वचन के माध्यम से हर एक के जीवन से, हर एक के दिल से बात करिए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं गीत के माध्यम से। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, ये आज का सॉन्ग है और इस सॉन्ग के माध्यम से हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं तो बहुत सारे बंधन होते हैं हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में जो क्या होते हैं, टूटते हैं, क्योंकि स्तुति आराधना करना हमारा क्या है, काम है। ये परमेश्वर ने हमें सौंपा है, उसकी आराधना करना, उसकी सिताइश करना, ये हमारा काम है और हमें इसमें आनंद आना चाहिए और हमें इसमें बहुतायत से ये काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम स्तुति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब शैतान हमसे क्या होता है, दूर भागता है। तो आइए आज इस गीत के माध्यम से हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। गिनने गिनने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने
संभाला मुझे, अपनी बाहों में ले हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर, रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। सच में परमेश्वर ने हमें कैसे संभाला है, अपनी बाहों में लेकर, अपने हाथ में संभाला है उसने, अपनी बाहों में उठा लिया है। जब हम कष्टों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तब हम परमेश्वर की बाहों में होते हैं और कोई भी परेशानी, कोई भी दुख हमें छू नहीं पाता है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम आज का आत्मिक मन्ना है उसे ग्रहण करेंगे जो परमेश्वर ने आज के दिन ठहराया है। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, इतने अच्छे सुंदर शाम के लिए परमेश्वर, और परमेश्वर इस पेज के लिए धन्यवाद परमेश्वर, इस जरिए के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज का जो भी वचन परमेश्वर आपकी अगुवाई से बोया जाता है हर एक की जिंदगियों में, हर एक के दिलों में परमेश्वर, वो बहुतायत से फलवंत होने वाला हो पाए परमेश्वर। और परमेश्वर हम मानते हैं परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हाजिर हैं, हर एक की जिंदगी से आप बात करेंगे परमेश्वर।
इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आज का जो टॉपिक है मेरा वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है, मन, हमारा मन, कि हमारा मन क्या है और हम अपने मन को कैसे काबू में कर सकते हैं, ये आज का टॉपिक है मेरा। और कैसे शैतान हमारे दिलों में, हमारे मनों में कैसे बीज बोता है और हम पाप की तरफ मुड़ जाते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपको कि जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, स्टार्टिंग से हमें ये पता है कि परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग दूतों को भेजते हैं जो हमारी क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ये पढ़ते हैं हम भजन संहिता 91 उसकी 11 वर्स में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यानी ईश्वर परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग दूतों को क्या करते हैं, भेजते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। तो ऑब्वियस है कि हमारा विरोधी शैतान भी कुछ दूतों को हमारे पीछे भेजता है जो हमें क्या करते हैं, हमें बरगलाते हैं, हमें परमेश्वर के मार्ग से हटाने की कोशिश करते हैं। यही आज का मेरा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये शुरुआत करते हैं कि शैतान कैसे हमें भरमाता है, शैतान कैसे हमारी वीकनेस को कैप्चर करता है। इसके लिए वो चार तरीके के हथियारों को यूज करता है। शैतान हमारा फ्यूचर नहीं जानता है, शैतान को नहीं पता है कि हमारा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर सिर्फ हमारा परमेश्वर जानता है। शैतान हमारे पास्ट को लेकर हमारी वीकनेस को ढूंढता है और जब हम उसे अपनी वीकनेस बता देते हैं तब वो उन हथियारों के माध्यम से हमारे और परमेश्वर के रिश्ते को क्या कर देता है, तोड़ देता है और हम परमेश्वर की दया से वंचित हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहला हथियार जो शैतान हमारे विरोध में उठाता है वो है शक का हथियार। शक का हथियार, जो कि इसका विवरण हम देखते हैं आदम और हवा के आधार पर, आदम और हवा की जिंदगी के आधार पर हम देखते हैं कि कैसे शैतान ने उन्हें भरमाया और कैसे वो परमेश्वर की दया से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। क्योंकि हम सब जानते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा था, परमेश्वर उनसे रोज शाम को मिलने के लिए आता था, परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता था, परमेश्वर और आदम और हवा का रिश्ता बहुत घनिष्ठ था और शैतान को ये चीज पसंद नहीं थी। तो शैतान ने क्या किया, अपने हथियारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया और हवा की कमजोरी जानकर उसने हवा से पाप कराया और फिर आदम से। तो उन हथियारों के बारे में पहले मैं बताऊंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि आज के जीवन में शैतान हमें कैसे भरमाता है। तो सबसे पहला हथियार जो मैंने आपको बताया वो है शक का हथियार, जो हमें मिलता है उत्पत्ति 3 और उसकी फर्स्ट वर्स में। यहां पे इस प्रकार लिखा है कि यहां पे शैतान हवा से कहता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। ये सब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था कि तुम वाटिका के सारे वृक्षों का फल खा सकते हो, बस किसका वृक्ष का फल नहीं खा सकते हो, जीवन का और अच्छे बुरे के। तो शैतान आता है और क्या कहता है हवा से कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। यानी वो एक शक हवा के मन में पैदा कर रहा है कि परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम किसी भी वृक्ष के फल को ना खाना, क्योंकि परमेश्वर ने खुद आदम से ये बात कही थी कि तुम सिर्फ इस वृक्ष का फल ना खाना। और वही शक वो हवा के मन में पैदा करता है। आज शैतान हमारे बीच में भी शक पैदा करता है, क्या सच में स्वर्ग है,
हम ये सोच में पड़ जाते हैं, क्या सच में नर्क है? अगर हम बुरे काम करेंगे तो हम नर्क में डाले जाएंगे, अगर हम अच्छे काम करेंगे, अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, सबसे प्यार करेंगे, परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार मानेंगे, तो हम जब सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब हम स्वर्ग में जाने पाएंगे। ये चीज के विषय में शैतान हमारे दिलों में डाउट डाल देता है और हम क्या होते हैं, हम परमेश्वर की दया से वंचित हो जाते हैं। जैसे उसने हवा के मन में डाउट डाला कि परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम किसी भी वृक्ष का फल ना खाना, ये डाउट शैतान ने हवा के मन में डाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर में एक जगह थोड़ा थोड़ा कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं और फिर एक रोज हम थोड़ा थोड़ा कूड़ा उसमें डालते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है जब कूड़े का एक बड़ा सा ढेर बन जाता है और फिर उसमें क्या आने लगती है, बदबू आने लगती है, सड़ने लगता है। तो वैसे ही जब हम थोड़ा थोड़ा डाउट, थोड़ा थोड़ा शक अपने दिल में बैठाते जाते हैं तो एक समय ऐसे आता है जब हम पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े थोड़े शक को अपने दिलों में डाले जाते हैं और अंत में क्या होता है, वो पूरे के पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। दूसरा हथियार जो शैतान ने हवा और आदम के खिलाफ यूज किया था, वो हमारे खिलाफ भी यूज करता है, वो है झूठ का हथियार। ये हमें मिलता है उत्पत्ति 3:4 में। यहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि अगर तुम इस वृक्ष का फल खा लोगे तो क्या होगा, निश्चय मर जाओगे। लेकिन यहाँ पर शैतान हवा से बोला है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। यहाँ पर शैतान ने हवा से क्या बोला, झूठ बोला, यानी शैतान आज भी शैतान अंधविश्वास को हमारे दिलों में डालता है कि हम कमजोर हैं। शैतान हमसे झूठ बोलता है कि हमसे ये काम नहीं हो सकता, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर ने हमें परेशानियों के लिए ही पैदा किया है। ये हथियार शैतान आज हमारी जिंदगियों में क्या करता है, उठाता है। बाइबल में लिखा है यशाया 49:16 में, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। यानी परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के चित्र को क्या किया है, अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर हमें निर्बल से सबल बना सकता है, लिखा है फिलिपियो 4:13। अगर शैतान आपसे कहे कि आप दुर्बल हैं तो आप वचन के माध्यम से उसका विरोध कर सकते हैं, जैसे यीशु मसीह ने किया था। उन्होंने शैतान का विरोध वचन के माध्यम से किया और अंत में शैतान वहां से चला गया था। हम शैतान को का विरोध किसी हथियार से नहीं कर सकते, बल्कि हम वचन के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके दिल में शैतान ये डाउट डालता है कि आप क्या हो, निर्बल हो, तो आप याद रखिए कि फिलिपियो 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी परमेश्वर हमें इतना सामर्थ्य बनाता है कि हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है शैतान क्या है, झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44 में हम ये बात पढ़ते हैं, यानी शैतान हमसे क्या करता है, झूठ बोलता है। अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि आप निर्बल हैं, आपसे ये काम नहीं हो सकता, अगर कोई यूथ है, कोई युवा है, उसके मन में ये बात आ रही है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकता, तो आप फिलिपियो 4:13 याद रखिए कि परमेश्वर ने क्या कहा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं किसी भी परेशानी में क्या कर सकता हूँ, कोप अप कर सकता हूँ, उस परेशानी से दूर निकल सकता हूँ, उस परेशानी से निकल सकता हूँ। अगर मैं बीमार हूँ, किसी भी तरीके की बीमारी में पड़ा हूँ, तो मैं चंगा हो सकता हूँ। इस आयत को याद रखिए, अगर शैतान आप दिल में डाल रहा है कि आप कमजोर हैं, तो आप कमजोर नहीं हैं, आप सबल हैं। तीसरा हथियार जो शैतान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है वो है लालच का हथियार, जो कि इसका विवरण हमें मिलता है उत्पत्ति 3:5 में, कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया तो शैतान ने हवा को ये लालच दिया कि अगर तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, यानी एक समानता आ जाएगी। हमें पता है
कि शैतान पहले क्या था, एक स्वर्गदूत था। शैतान एक स्पिरिट है, आज भी वो एक स्पिरिट है। हम भी, हमारे पास भी एक स्पिरिट है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, हमें मिट्टी से बनाया है, उसने हमें एक देह दी है, हमें एक शरीर दिया है, अपने स्वरूप बनाया है परमेश्वर ने हमें, अपनी सांस उसने हमारे अंदर फूकी है। यानी शैतान जब जब हमें देखता होगा, तब हम उससे क्या लगते होंगे, परमेश्वर के स्वरूप लगते होंगे। इसलिए वो क्या करना चाहता है, हमारे इस स्वरूप को, इस देह को वो बिगाड़ना चाहता है, इस देह को वो खराब करना चाहता है, इस देह को वो परमेश्वर से दूर करना चाहता है। और वो क्या देता है, हमें लालच देता है कि अगर हम चोरी कर लेंगे तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, अगर हम घूस ले लेंगे तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। ये लालच का हथियार आज शैतान हमारे दिलों में डालता है। लिखा है भजन संहिता 8:4 में, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। यानी परमेश्वर आज हमारी सुधि लेता है, अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हाँ और आमीन में आंसर देता है, तो वो परमेश्वर की अनुकंपा है, दया है। हम तो कुछ भी नहीं है, हम क्या है, हम मिट्टी हैं, हम मिट्टी हैं और हम एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है, अहमियत देता है, ये उसकी दया है। अगर परमेश्वर हमें हिफाजत से रखता है, अगर वो हमारे लिए स्वर्ग दूतों को भेजता है, तो ये परमेश्वर की अनुकंपा है, दया है। हम कभी भी परमेश्वर के तुल्य नहीं बन सकते, लेकिन शैतान हमारे दिमागों में डालता है। शैतान ने आदम और हवा के दिमाग में भी यही बात डाली, उसने हवा को भरमाया, उसने हवा को फुसलाया कि अगर ये वृक्ष का फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये लालच आज शैतान हमारे दिलों में डालता है। जैसे मिट्टी और कुम्हार, कभी भी कुम्हार जो भी बर्तन चाहे वो मिट्टी से बना सकता है, लेकिन कभी मिट्टी कमांड नहीं दे सकती कुम्हार को कि मुझे ये बर्तन बनना है। मिट्टी एक प्यारा सा बर्तन बन सकती है, मिट्टी एक सुंदर सा बर्तन बन सकती है, मिट्टी कुम्हार का फेवरेट बर्तन बन सकती है, लेकिन कभी कमांड नहीं दे सकती कुम्हार को कि मुझे ऐसा बर्तन बनाओ। वैसे ही हम और आप परमेश्वर के हाथों से सृजे गए हैं, वो हमारा कुम्हार है, उसने हमें मिट्टी से बनाया है। हम परमेश्वर के तुल्य कभी नहीं हो सकते, बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर आप जैसा चाहें हमारी जिंदगियों को इस्तेमाल करिए। चौथा हथियार जो परमेश्वर के विरुद्ध में शैतान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो है दोष का हथियार। बहुत कॉमन है ये, हम नॉर्मली भी एक दूसरे पर क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। ये हमें मिलता है उत्पत्ति 3:12-13। यहाँ पर जब हवा ने फल खाया, फिर उसने आदम को फल खिलाया, और जब परमेश्वर आते हैं तो आदम क्या करते हैं, आदम हवा के लिए, हवा पर दोष लगाते हैं। क्या बोलते हैं कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। और हवा कहती है कि सर्प ने मुझे बहका दिया था। यानी वो क्या करते हैं, दोष लगाते हैं, आदम हवा पर लगाते हैं, हवा सर्प पर लगाती है। ये हथियार शैतान आज हमारे और आपकी जिंदगियों में भी क्या करता है, इस्तेमाल करता है। जब हम देखते हैं कि हमारे सामने वाला इंसान जो कि क्या करता है, पाप करता है, घूस लेता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है और हमसे बेहतर जिंदगी जीता है, तो हमारे दिलों में क्या आता है, शैतान हमारे दिलों में डालता है कि देखो वो इतना गुनाह करता है, इतना पाप करता है, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ कैसी है, सक्सेसफुल है, वो आज हर चीज उसके घर में है जो उसे चाहिए। और तुम्हारी लाइफ क्या है, ये शैतान हमारे दिलों में आज शक पैदा करता है, ये शैतान हमारे दिलों में दोष का हथियार इस्तेमाल करता है। और हम क्या सोचते हैं कि हम सिंपल लाइफ जीते हैं, हमने कुछ अच्छा, कुछ ऐसा काम नहीं किया और हमारी लाइफ कैसी है, सिंपल है, सोवर है। और शैतान हमारी फीलिंग्स को के साथ क्या करता है, खेलता है और हमसे पाप कराता है और हमें परमेश्वर से क्या करता है, दूर कर देता है। तो ये 4 तरीके के हथियार हैं जो शैतान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। पहला हथियार जो मैंने आपको बताया वो है शक का हथियार, दूसरा हथियार जो मैंने आपको बताया वो है झूठ का हथियार, तीसरा लालच का हथियार और चौथा दोष का हथियार। ये चारों हथियार उठाकर शैतान क्या करता है, हमारी वीकनेस को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान हमारा फ्यूचर नहीं जानता,
यहाँ बाइबल में हम देखते हैं पहला राजा 8 और उसकी 39 वर्स में लिखा है, तू ही तो सब मनुष्यों के मन के भेदों को जानने वाला है। यानी यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि हमारे मन के भेदों को, मन की बातों को और कोई नहीं जान सकता, पर कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर जानता है। यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि तू ही तो, जहाँ पर ही वर्ड आ जाता है इसका मतलब एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बात करी जा रही है, यानी शैतान हमारे मनों को नहीं जांच पाता। तो शैतान हमारे वीकनेस को कैसे कैप्चर करता है, शैतान हमारी वीकनेस को कैसे पढ़ता है? वो हमारे पास्ट को टटोलता है कि हमारे पास्ट में कोई ऐसी बात हो और शैतान उसे कैप्चर करे और फिर हमारी फीलिंग्स को क्या करे, नेगेटिव कर दे और हमसे पाप कराकर हमें परमेश्वर की दया से दूर कर दे। पहला पत्रस उसकी 5 और 8 आयत में हम देखते हैं, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यानी शैतान इन हथियारों को इस्तेमाल करता है हमारे ऊपर ताकि हमारी वीकनेस को क्या करे, कैप्चर करे और हमारी जिंदगी को परमेश्वर से दूर कर दे और हम क्या हो जाएं, हम पापी हो जाएं, हम दया रहित हो जाएं, हम उस अनंत जीवन में ना जा पाएं जो यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए क्या किया है, बना के रखा है। हम अपना पास्ट, अपना गुनाह स्वयं शैतान को बोल करके बताते हैं। कुछ लोग इतना नेगेटिव बोलते हैं कि वो अपने फ्यूचर को भी क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं बोल बोल कर। सबसे बड़ी कमजोरी जो हमारी होती है वो होती है हमारी सोच या हमारी थिंकिंग या हमारा मन, जो कि लिखा है नीति वचन 4 और उसकी 23 आयत में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यानी हमें अपने मन की रक्षा करनी है, जो आज का हमारा टॉपिक है कि हम शैतान से अपने मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान सोचता है वही करता है और अंत में वो वैसा ही हो जाता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ें करेंगे और हमारी थिंकिंग भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और हम एक पॉजिटिव इंसान कहलाएंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, अगर हमारे मन में नेगेटिव बातें हैं तो हम नेगेटिव ही करते हैं और अंत में हम पाप में गिरते हैं और हम शैतान के उन हथियारों से क्या हो जाते हैं, खिलाफ नहीं होते हैं बल्कि उनसे घायल होकर उसी ही की बातों को क्या करते हैं, मानते हैं और करते हैं। जैसे हवा ने करा, हवा ने बोल करके अपने वीकनेस को बता दिया, शैतान ने उसको क्या किया, एक डाउट पैदा कर दिया कि परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते, लेकिन हवा ने क्या बता दिया कि नहीं, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। यानी उसने शैतान को अपनी वीकनेस दे दी। उसके बाद उसने शक का हथियार, झूठ का हथियार, सारे हथियार इस्तेमाल किए और हवा की थिंकिंग को क्या करा, नेगेटिव किया और उससे पाप करा दिया। शैतान खुद पाप नहीं कर सकता, ना वो जबरदस्ती हमसे कराता है, वो हमारी सोच को कैप्चर करता है, उसे नेगेटिव कर देता है। जब हम पूरे नेगेटिव हो जाते हैं तब हमारे हाथों से, अब हमारे पैरों से, हमारे जुबान से, हमारी आंखों से पाप हो जाता है। जैसे शैतान ने हवा को बातों से फुसलाया, उसकी सोच को कंट्रोल किया, वैसे ही आज वो हमारी जिंदगियों को भी क्या करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, हमारी वीकनेस को कंट्रोल करना चाहता है, हमारी वीकनेस को जानना चाहता है। आप जब भी आपके दिल में ये बातें आए, जब भी आपकी वीकनेस को शैतान पॉइंट आउट करे, तब आप उसकी वीकनेस को पॉइंट आउट करिए। शैतान की वीकनेस क्या है कि उस यीशु मसीह ने शैतान को हराया था, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, शैतान वहां से तब क्या हो गया, हार गया। शैतान की ये वीकनेस है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। शैतान आपके फ्यूचर को नहीं जानता है। अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आ रही है, आप उसी टाइम उस बात को क्या करिए, काटिए। 2-3 बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि नॉर्मली हमारे लाइफ में, हमारे दिल में क्या क्या चीजें आती हैं और हम किस वजह से शैतान के शिकार में क्या हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। पहली चीज, शैतान हमें यह एहसास दिलाता है कि हम क्या हैं, कमजोर हैं,
हमसे कुछ नहीं हो सकता। तो आप याद रखिए, एक वचन है, क्योंकि हम वचन के माध्यम से ही शैतान का विरोध कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने वचन के माध्यम से शैतान का विरोध किया था, शैतान हुआ था वहां से चला गया था। ये हम पढ़ते हैं मत्ती 4 और उसकी 3 आयत में। तो आप याद रखिए, व्यवस्था विवरण 28 की 13 वर्स में लिखा है, यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यानी परमेश्वर ने हमें सिर ठहराया है, उसने हमें पूछ नहीं ठहराया है। अगर आपकी जिंदगी में, आपके दिल में ये बात आती है कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, शैतान आपको ये एहसास दिलाता है कि आप कमजोर हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप क्या हैं, आप सिर हैं, आप पूछ नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस है जो हम यशाया 41 और उसकी 13 वर्स में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आपने कभी इमेजिन किया होगा, जब आप लोग सोते हैं और हम कोई ड्रीम देख लेते हैं, तब सबसे पहले दाहिना हाथ ही अपना क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी वो एक सच्ची सुरक्षा हमें देता है। परमेश्वर ने कहा है मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे क्या करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। तो आप इन वर्स को याद रखिए। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि आप कमज़ोर हैं, अगर किसी भी बीमारी में आप पड़े हैं और आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, आप इस बीमारी में ही मर जाएंगे, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं। ये बीमारी आपके परमेश्वर की सामर्थ्य से ज़्यादा बड़ी नहीं है। दूसरी चीज़ जो वो आपके दिल में डालता है कि वो आपके फेलियर्स को आपके सामने लाकर रखता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं और क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और दोबारा से जब वो न्यू स्टार्ट करते हैं तब उनके दिल में एक बात होती है, एक डाउट होता है कि इस बार भी कहीं हम फेल ना हो जाएं। लेकिन हमें कैसे करना है, 1 कुरिन्थियों 9:24 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तो तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। यानी इस बार अगर कोई यूथ मेरी बात को सुन रहा है और वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो इस बार वो इस तरीके से पढ़ाई करे, इस तरीके से शुरुआत करे जैसे वो पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हो। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आप इस बार ऐसी जॉब इंटरव्यू दीजिए कि आप पहली बार दे रहे हैं। तो ये चीज़ आप ऐसे दौड़िए कि आप जीतें, क्योंकि जीतता एक ही है। उस जोश में हमें दौड़ना है, हमें ज़िंदगी की दौड़ में भी वैसे ही दौड़ना है। तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि शैतान आपके अंदर एक शब्द पैदा कर देता है, काश। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी ड्रीम्स को काश कहकर डिफाइन करते हैं कि काश हमारे पास इतना पैसा होता, काश हमारे पास ये होता। हम उन ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं जो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में देता है, और हम आगे की सोचते हैं। यशाया 43:7 वर्स में लिखा है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, उसको मैंने रचा और बनाया है। यानी हम परमेश्वर के हैं, अगर हम परमेश्वर के हैं तो हम व्यर्थ नहीं भेजे गए हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेजे गए हैं। हमारे पास क्या है, एक महिमा में भविष्य है जो परमेश्वर हमें देता है, अगर हम उसके कहलाते हैं, अगर हम उसके कहलाते हैं, अगर हम उसके वचन पर चलते हैं, उसके वचन को अपने जीवन का आधार मानते हैं। चौथी चीज जो शैतान हमारे दिमाग में डालता है वो है कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है। आप एक वर्स है उसको ध्यान में रखिए, यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने ही से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। यानी जब हम इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जब हम गर्भ में थे, तब परमेश्वर ने हमें हमारी सुधि ली और पैदा होने से पहले ही हमें क्या कर दिया है, अभिषेक कर दिया है हमारा। हम अभिषिक्त व्यक्ति हैं, हम ऐसे ही नहीं भेजे गए हैं इस दुनिया में, हमें अभिषेक करके परमेश्वर ने भेजा है। इस पूरी दुनिया के बनाने वाले ने हमें रचा है और हमें अभिषेक करके भेजा है। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत प्यारी वर्स है यशाया 43 और उसकी 2nd वर्स, ये मेरी बहुत 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 हेल्प करती है ये वर्स। जब कभी आपको लोनलीनेस फील हो, जब आपको लगे कि आप अकेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं है आपका, तब आप इस वर्स को एक बार पढ़ेंगे, आप इसे अपने
मोबाइल में वॉलपेपर बना के भी रख सकते हैं, बहुत सुकून मिलता है। मेरे जब बहुत समय ऐसा भी आया था जब मुझे लगता था ये एक वीकनेस बन गई थी मेरी कि मेरा कोई नहीं है, तो मैं इसे अपने वॉल में लगाया था मैंने, और मैं हर टाइम इसे पढ़ा करती थी। मुझे बहुत शांति मिलती थी इस वर्स से कि यशाया 43 और उसकी सेकंड वर्स जो हम देखते हैं, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। यानी हर जगह वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर हम नदी में होकर चलेंगे तो हमें नदियां डुबा नहीं सकेंगी, अगर हम आग में चलेंगे तो हमें आग जला नहीं सकेगी और ना ही उसकी लौ जला सकेगी। यानी अगर हम परेशानियों में होंगे तो उन परेशानियों में हम पड़े ज्यादा दिन नहीं रह सकते, वो परेशानियां हमें क्या कर सकती है, नष्ट नहीं कर सकती हैं। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, हर जगह वो हमारा साथ देगा। पांचवी चीज जो हम देखते हैं वो है अतीत में किए हुए पापों को याद दिलाना। यानी हमने बहुत पहले कोई पाप किए होंगे और हम अपनी वीकनेस को शैतान के सामने जाहिर करते हैं, तो शैतान उस वीकनेस को कैप्चर करता है, उन पापों को हमें याद दिलाता है। लिखा हुआ है यशाया 38 और 17 वर्स में, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। मीका में लिखा है पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। यानी परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं रखता है, हम अपनी पीठ के पीछे वही चीजें रखते हैं जो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, या हम जिन्हें नजरअंदाज करते हैं। तो परमेश्वर भी उन पापों के लिए, जिन पापों के लिए हम क्षमा मांग चुके हैं, हमारी अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और उन पापों को याद नहीं रखता है। क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया तब परमेश्वर ने क्या किया था, एक घनिष्ठ संबंध जो आदम के साथ बना हुआ था वो टूट गया और अदन की वाटिका से दोनों को बाहर निकाल दिया गया। फिर शैतान ने क्या किया, उसे एक देह मिल गई उसे एक देह मिल गई, यानी उसने पाप को मनुष्यों के जीवन में ला दिया, और फिर मनुष्य क्या हो गया, पापी बन गया और परमेश्वर की दया से रहित हो गया। क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं, वो मनुष्यों से बहुत प्यार करते हैं, फिर उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, अपने प्रिय पुत्र को भेजा, यीशु मसीह देह धारण करके हमारी जिंदगियों में आए और उन्होंने हमारे पापों को लिया। जब यीशु मसीह क्रूसीफाइड हुए तब हमारे पाप, हम यीशु मसीह में थे। जब वो मुर्दों से जी उठे, यानी हम एक नई सृष्टि बन गए, जब वो क्रूसीफाइड हुए तो हमारे पाप उसी जगह क्या हो गए, खत्म हो गए, मर गए, दफन हो गए। और जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तब हम दोबारा से एक नई सृष्टि बने। इसीलिए जो मसीह में अब है वो क्या है, एक नई सृष्टि है। जो मसीह में नहीं है उनको शैतान यूज करता है अपने दूतों के रूप में, उन लोगों को यूज करता है मसीहों को परेशान करने के लिए, जैसे अय्यूब की जिंदगी में हुआ। ये परमेश्वर ने शैतान से कहा कि अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए, और जब शैतान ने अय्यूब की परीक्षा ली, शैतान ये नहीं जानता था कि अय्यूब का असली धन वो परमेश्वर को मानता था, वो परमेश्वर से प्यार करता था। शैतान इस वीकनेस को नहीं कैप्चर कर पाया, तो उसने अय्यूब के दोस्तों के माध्यम से भी उसको नेगेटिव करने की कोशिश करी। शैतान आज हमारी जिंदगियों में भी यही काम करता है। बहुत सारे लोग हमारी जिंदगियों में आते हैं जो हमें क्या करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्या हैं, मसीह में नई सृष्टि हैं। क्योंकि हमारे पाप जो है वो यीशु मसीह ने अपने शरीर पर ले लिए, और जब वो जी उठे तब हमें एक नया जीवन मिला है, हम एक नई सृष्टि हैं। पुरानी सारी बातें क्या हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, अब हम एक नई सृष्टि हैं, हम मसीह में नई सृष्टि हैं। अगर हम मसीह में हैं तो नई सृष्टि है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि लिखा है कि अगर हम अपने पापों को नहीं माफ करते हैं तब परमेश्वर हमारे पापों को भी नहीं माफ करता है, बल्कि अगर हम दूसरों के पापों को भी माफ नहीं करते हैं तो भी वो हमारे पापों को माफ नहीं करता है। अगर हम अपने पाप डेली के डेली अपने पाप ही गिनाते रहते हैं तो वो भी क्या है, एक अपराध ही है।
क्योंकि हमें अपने आप को भी माफ करना है और दूसरों के पापों को भी क्या करना है, माफ करना है। जैसे मत्ती 6 उसकी 14-15 आयत में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यानी अगर हम किसी के अपराध क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे अपराध भी क्या होंगे, क्षमा नहीं किए जाएंगे। छठी और आखिरी चीज जो हम देखते हैं वो है दोष लगाना। हम बहुत जल्द दोष लगाते हैं, जैसे आदम और हवा ने भी क्या किया था, दोष लगाया था। आदम ने हवा के ऊपर दोष लगाया और हवा ने सर्प के ऊपर दोष लगाया। लिखा है लूका 6 और उसकी 42 वर्स में, हम अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखते बल्कि दूसरों की आंख का क्या करते हैं, तिनका देखते हैं। पहले हमें ये देखना है कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, उसके बाद हम दूसरों की बुराइयों को ढूंढने की कोशिश करें, और हमें न्याय नहीं करना है। अगर कोई बुरा है तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, हमें उसकी आंख का तिनका नहीं देखना है बल्कि अपनी आंख का लट्ठा देखना है। तो शैतान हमसे क्या करता है, झूठ बोलता है, हमारी सारी समस्याओं को, जो भी हमारी सारी समस्याएं हैं वो हमारे मन से प्रारंभ होती हैं, क्योंकि मन क्या है, एक युद्ध का मैदान है। बहुत सारी फीलिंग्स हमारे मन में क्या होती हैं, चलती रहती हैं। हम जो सोचते हैं हम एक दिन वैसे ही बन जाते हैं, और शैतान सबसे पहले क्या करता है, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ता है। लेकिन याद रखिए कि हम मसीह में क्या है, हमें ये बात याद रखनी है, हम परमेश्वर की सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं, हमें ये बात याद रखनी है। शैतान से निपटने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है आप इस पर विश्वास करें कि शैतान ने अगर आपसे झूठ बोला है तो आप उस पर विश्वास करें और निराशा भरा जीवन जिए। और दूसरा जो तरीका है वो है जो बाइबल हमें सिखाती है, जो यीशु मसीह ने किया, यानी शैतान को वचन के माध्यम से क्या करना, उसको उससे लड़ाई करना, और तब शैतान क्या होगा, आपके सामने से दूर हो जाएगा। और हमें जब भी हम शैतान से सामना करें तो क्या करें, वचन के माध्यम से करें। जैसे कि रोमियो 8 और उसकी 4 वर्स में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाएगी। अगर हम शरीर के हिसाब से नहीं चलते हैं, आत्मा के हिसाब से चलते हैं, तो व्यवस्था की जो भी विधि है वो हमारे लिए क्या होंगी, पूरी होंगी। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब हम आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं तब हमारा शरीर भी हमारा क्या करता है, विरोध करता है, क्योंकि शरीर कैसा है, नश्वर है, आत्मा क्या है, अमर है। शरीर हमारा विरोध करता है क्योंकि शरीर चाहता है कि हम शारीरिक चीजों पर, शारीरिक बातों पर मन लगाएं, और यही बात शैतान भी हमारी जिंदगियों में डालता है कि हमें शारीरिक बातों पर मन लगाना है, आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाना है। तो हम इस चीज को ध्यान रखें कि हम शैतान के इन हथियारों को के खिलाफ वचन के माध्यम से ही लड़ सकते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं दूसरा तिमिथियुस उसकी 1 और 7 आयत में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यानी परमेश्वर ने हमें एक संतुलित मन दिया है, एक निडर मन दिया है। अगर आपके दिल में भय है, यानी आप शैतान के उन हथियारों के सामने खड़े हैं और शैतान आपसे क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, आप सिर्फ वचन के माध्यम से शैतान से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। आपके पास एक गोल्ड गोल्ड बॉक्स है जिसके अंदर ज्वेलरी रखी जाती है, और आप किसी को दिखाएं तो लोग क्या कहेंगे, लोगों के मन में ये विचार आएगा कि इसमें बहुत प्यारे प्यारे क्या होंगे, ज्वेलरीज होंगी, सोने की होंगी, डायमंड की होंगी। और अगर हम उसे खोलें और हमने उसमें क्या रखा हो, वेस्ट चीजें रखी हो,
हमने उसमें जंक लगे हुए सिक्के रखे हों, अगर हमने उसमें वेस्ट चीजें रखी हों, तो उस बॉक्स की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही हमारा दिल, हमारा मन भी क्या है, अनमोल है। परमेश्वर ने हमें एक गोल्डन बॉक्स दिया हुआ है हमारे दिल के रूप में, और हम अगर हम उसमें बहुत प्यारी प्यारी चीजें, ज्वेलरी रखते हैं, यानी अच्छाई रखते हैं, दया रखते हैं, प्रेम रखते हैं, अगर हम उसके अंदर शांति रखते हैं, आनंद रखते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं, तो वो गोल्ड बॉक्स खुलने के बाद भी सुंदर लगेगा। लेकिन अगर हम उसी जगह वेस्ट चीजें रखते हैं, डर रखते हैं, भय रखते हैं, घृणा रखते हैं, बुराई रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाना रखते हैं, दूसरे की बुराइयां याद रखते हैं, तो जब वो ज्वेलरी बॉक्स से हमारा दिल खुलेगा, तो वो क्या होगा, वेस्ट होगा, वो बेकार लगेगा। तो हमें अपने इस गोल्डन बॉक्स को, अपने दिल को क्या करना है, ज्वेलरी से भर के रखना है। जैसे वो बाहर प्यारा सा है, वैसे ही अंदर भी होना चाहिए। जैसे लिखा है मत्ती 12 और उसकी 35 वर्ष में, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यानी परमेश्वर ने हमारे मन को क्या बोला है, भंडार बोला है। यानी अगर हम अच्छे होंगे तो हम अच्छी चीजें निकालेंगे, हम अच्छे होंगे तो हम अच्छाइयों की बातें निकालेंगे, हम प्रेम दिखाएंगे दूसरों को, हम दया दिखाएंगे, हम माफी दिखाएंगे, हम शांति दिखाएंगे, हम संयम दिखाएंगे। और अगर हम बुरे होंगे तो अपने बुरे भंडार से क्या निकालेंगे, जलन निकालेंगे, घृणा निकालेंगे, ईर्ष्या निकालेंगे। जैसे एक मोबाइल फोन, जब एक मोबाइल फोन में हम बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो जब हमें न्यू ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, तब तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने पुराने ऐप्स को डिलीट करना पड़ता है। बहुत सारे वीडियोस को, बहुत सारी फोटोज को हमें डिलीट करना है, तब हम कुछ नया इंस्टॉल कर पाते हैं। वैसे ही हमारा दिल भी होता है, अगर हम दूसरों की बुराइयों को डिलीट नहीं करेंगे, तब हम दूसरों की अच्छाइयों को इंस्टॉल नहीं कर सकते अपने जीवन में। लिखा है बाइबल में, तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी क्या होता है, बदलता जाए। यानी जब हमारा मन नया हो जाता है, तो हमारा चाल चलन भी अच्छा हो जाता है। और याद रखिए कि शैतान कैसे हमारे दिलों को, कैसे हमारी फीलिंग्स को कैप्चर करता है, हमारी वीकनेस को पकड़ता है, और अपने हथियारों को यूज करके हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। मैं आपको वचन के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि याद रखिए, आप मसीह में एक नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें बीत गई, अब हम लोग क्या है, नए हो गए हैं, और अपनी एक नई शुरुआत करनी है, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है, अपना समय, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, ताकि वो हमसे अद्भुत काम कराए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें महिमा में भविष्य के लिए भेजा है। तो मैं आपको इन्हीं वर्सेस के साथ प्रोत्साहित करना चाहूंगी, और आशा करती हूँ कि ये वचन जो आज बोया गया है, वो आपके जीवन में फलवंत हो। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद हम इस सेशन का एंड करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, अच्छी संगति के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आप यहाँ उपस्थित हैं इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का परमेश्वर, कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने स्पेज पर लाइव आने का परमेश्वर, और परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर उनके घर को आप ब्लेसिंग से भर दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोए परमेश्वर, उनकी जिंदगी को परमेश्वर एक एग्जाम्पल ठहराइए परमेश्वर, ताकि और लोग उनसे बहुत कुछ सीखने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो इस पेज से जुड़े परमेश्वर, जिन्होंने लाइव सेशन देखा और जो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, आप उनकी जिंदगियों से भी बात करें परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर हर एक की जिंदगी से परमेश्वर 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि थोड़ा बीपी मेरा लो चल रहा है आजकल, और आप प्रार्थना में याद रखिए कि परमेश्वर मुझे भी बहुत चंगाई दे, आशीषें दे। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको।